इतनी बात तो मैंने कह दी, बाकी सारी बात कहने में नहीं आ रही, क्योंकि गति मति भाई और, गति भाई और क्या कि अभी जो गति संसार की ओर थी अब वो गति राधा माधव की ओर हो गई, और मति भाई और अभी तो मति संसार का लाभ हानि विचार रही थी, अब एक ही लाभ हानि विचार रही है कि नाम कितना हुआ, माला कितनी हुई, स्मरण कितना हुआ, आज स्वप्न कैसे आए, आज मौन कितना हुआ, आज आंसू कितने गिरे, अब मति इन चीजों को तोलने लग गई है, पहले कुछ और तोल रही थी। तो अहो गति मति तो भाई और, कितनी और कहत नहीं आ रही, कहने में नहीं आ रहा। चौथा महीना भी बीत गया और तब तो पांचों मास जब आन्यो, पांचों मास जब आन्यो, पांचों मास जब आन्यो, पांचों मास जब आन्यो, देखी कुटुंब सिहान्यो, देखी कुटुंब सिहान्यो, नगर सब जान्यो, नगर सब जान्यो, मोद मन मान्यो, मोद मन मान्यो, नगर सब जान्यो, नगर सब जान्यो, देखी कुटुंब सिहान्यो, देखी कुटुंब सिहान्यो, अहो फूली सकल सवासिन, अहो फूली सकल सवासिन, अंचल ले आशीष दे, पांचों मास जब आन्यो, देख कुटुंब सिहान्यो, नगर सब जान्यो, मोद मन मान्यो। जब पांचवा महीना लगा गर्भावस्था का कीर्ति मैया को तो क्या हुआ, देख कुटुंब सिहान्यो, परिवार के देख लोग देख करके परम हर्षित हो गए, और अब तो पहले केवल घर को ही पता चली, और अब तो नगर सब जान्यो, पूरे बरसाना रावल ब्रजमंडल में खबर फैल गई, घर घर में बधाई होने लग गई, घर घर में गीत गाए जाने लगे, और सब लोग एक ही प्रार्थना कर रहे, कीर्ति मैया के लाली प्रकट होए, कीर्ति मैया के लाली प्रकट होए, वृषभान जी के घर बेटी का जन्म होए, बेटी का जन्म होए, सब ऐसे ही शगुन मना रहे। नगर सब जान्यो, देख कुटुंब सिहान्यो, परम सुख मान्यो, और फूली सकल सवासी, अंचल ले आशीष दे। तात्विक अर्थ क्या है, जब पांचवें स्तर में भजन की पहुंचता है साधक, तो फिर कहना नहीं पड़ता, फिर अपने आप प्रेम का प्रकाश होता है। सूर्य उदय होते हैं तो ढोल पीट के दुनिया को बताते हैं कि भैया उठ जाओ, अब सवेरा हो गया, उजाला हो गया। अरे सूर्य भगवान उदय हो, सारे जगत को पता चल जाए, प्रकाश हो जाए अपने आप, वो कहीं प्रचार करने नहीं जाए, अपने आप उजाला हो जाए। ऐसे जब चित्त के भीतर किसी के प्रेम का प्रकाश होता है, तब नगर सब जान्यो, तब संसार में जो पारखी लोग हैं, अब सूर्य उदय होता है पर उल्लू को नहीं दिखता, उल्लू अंधा हो जाता है, पर जो पारखी हैं वो जान लेते हैं कि किस चित्त के भीतर प्रेम का प्रकाश हो गया है। नगर सब जान्यो और मोद मन मान्यो, देख कुटुंब सिहान्यो, परिवार के लोग हर्षित हुए। परिवार कौन है, गुरु परिवार ही साधक का असली परिवार है, जो गुरुदेव का घर है, मेरे गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव। हम वैष्णवों का परिवार क्या है, एक तो शरीर वाला परिवार है, पर ये परिवार हर जन्म में बदल जाता है, हो सकता है इस बार जो हमारा बेटा बना हो अगले जन्म में वो हमारा बाप बने और हम उसके बेटे बने, हर जन्म में परिवार बदल जाते हैं। ये परिवार तो बंधन का कारण है, साधक का असली परिवार क्या है, जिस धाम में जाना है उस धाम का जो परिकर है वही साधक का परिवार है। रूप सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, रंग देवी जी, सुदेवी जी, तुंग विद्या जी, ये सब हमारे परिवार है। इनमें ममता होएगी पीछे तो राधा रानी में होएगी। और जब
श्री जी दर्शन देती हैं तो सीधे नहीं देती, पहले तो किंकरी मंजरी देती हैं, फिर सखियां देती हैं, फिर श्री जी आती हैं। ये सब हमारे परिवार है, ये सच्चा परिवार है। मीराबाई, तुलसीदास जी, कबीर दास जी, सूरदास जी, श्री हित हरिवंश जी, स्वामी हरिदास जी, ये सब आचार्य हम इन्हीं के परिवार के हैं। भले किसी योग्य नहीं, पर ये अभिमान तो चित्त में आए। व्यास जी तो कहते हैं इतनो है सब कुटुंब हमारो, ये भक्त परिवार मेरा कुटुंब है, मेरे कुटुंब में बहुत लोग हैं, भक्तमाल में जितने भक्तों का नाम लिखा है वो सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, इतनो है सब कुटुंब हमारो। जब ऐसी बुद्धि होती है तब भगवत कृपा प्राप्त होनी शुरू होती है। पांचों मास जब आने देख कुटुंब सिहानो, परिवार हर्षित हुआ। कौन सा संसार वाला परिवार तो गाली देने लग जाएगा जब कोई भजन में आ गया कि पागल हो गया, काम धंधे का नहीं रहा, तो ये परिवार छोड़ो हर्षित होगा। तो देख कुटुंब सिहानो, कौन सा कुटुंब पर हर्षित हो गया, वो ठाकुर जी वाला कुटुंब, सखियां खुश होने लग गई, आचार्य लोग खुश होने लगे, आ ठीक है अब हमारे पास बढ़ रहा है। घर वाला परिवार खुश नहीं होगा, वो तो कहेगा किस चक्कर में पड़ गया, हमारे काम का नहीं रहा, हमसे बोलता नहीं, बतराता नहीं। तो देख कुटुंब सिहान्यो, नगर सब जान्यो, मोद मन मान्यो, अपना मन मोद मानने लग गया। माने किसी ने कोई विपरीत बात भी कह दी तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई विपरीत बात भी तो कह दी तो कोई बात नहीं, मोद मन मान्यो। और फिर क्या हुआ, वृंदावन दास जी कहते हैं फूली सकल सवासिन अंचल ले आशीष दे। फिर सखियां अपने आंचल की छाया दे करके, फूली सकल सवासी अंचल ले आशीष दे, आंचल की छाया करके सखियां आशीर्वाद देने लगी, बड़ी बुढ़ी आशीर्वाद देने लगी, खूब फलो फूलो, बड़ी सुंदर लाली तुम्हारी गोद में खेले। कौन सखी आशीर्वाद दे रही है, ये सखी भी गुरु सखी है जो आंचल की छाया दे के साधक को आशीर्वाद दे रही है, खूब फलो फूलो। ये भगवत प्राप्ति हो, ये आशीर्वाद तो दुनिया में कोई नहीं दे, ये आशीर्वाद तो गुरुजन ही देते हैं, संत लोग ही देते हैं। फूली सकल सवासी अंचल ले आशीष दे। ये पांचवा महीना भी बीता, अब कौन महीना आ गया, बोले छठ ये मास छवि बाड़ी, कंचू की भई गाड़ी, कंचू की भई गाड़ी, अंग अंग आड़ी, अंग अंग आड़ी, भवन मदी ठाड़ी, भवन मदी ठाड़ी, अहो आलस कछुक जनायो, अहो आलस कछुक जनायो, हरत पग डग मगे, छठा महीना आया, बोले छठे मास छवि बाड़ी, कंचु की भई गाड़ी, अंग अंग आड़ी, भवन मदि ठाड़ी, और आलस कछुक जनायो, धरत पग डग मगे। छठा महीना आया, वृंदावन दास जी कहते हैं कीर्ति मैया के वस्त्र छोटे होने लग गए, शरीर बढ़ने लगा ना, वस्त्र छोटे होने लग गए, वस्त्रों को सखियां खोल रही हैं। और आंगन में जब कीर्ति मैया खड़ी होती है ऐसा लगता है जैसे सौंदर्य की करुणा वात्सल्य की देवी आंगन में खड़ी है। और आलस कछुक जनायो, धरत पग डगमगे, मैया की देह में आलस रहने लग गया। मैया चलती है तो मैया के डगमग पांव पड़ते हैं। लीला का अर्थ हम साधकों के लिए अर्थ क्या है, छठी अवस्था में जब पहुंचेंगे तो विस्तार होगा। कंचुकी छोटी पड़ने लगी, अर्थ क्या है, कंचुकी कहाँ पहनी जाती है, हृदय पे पहनी जाती है, साधक का हृदय बड़ा होने लग जाए। ये तो पता नहीं, ठाकुर जी जिसका बड़ा घर होता है उसके घर प्रकट होते हैं, जिसका व्यापार बड़ा होता है उसके यहाँ, जिसका परिवार बड़ा होता है उसके यहाँ, पता नहीं। पर एक बात पक्की है, ठाकुर जी उसके प्रकट होते हैं जिसका हृदय बहुत बड़ा होता है। व्यापार बड़ा हो न हो, परिवार बड़ा हो न हो, प्रचार बड़ा हो न हो, पर हृदय को तो बड़ा करना होगा।
अब जब ठाकुर जितने परिकर के साथ आएंगे तो भाई बैठने को जगह तो चाहिए, हमने इतना छोटा सा दिल बनाया हुआ है तो कैसे होगा, कैसे होगा, अपने दिल को बढ़ाना होगा। कंचुकी भाई गाड़ी, मैया का शरीर विस्तार लेने लगा, माने साधक का प्रेम बढ़ने लग गया। और आलस कछुक जनायो धरत पर डगमगे, आलस आने लगा। अर्थ क्या है, अभी उदाहरण दिया, एक दारू पीने वाले को नशा हो जाता है। और संत लोग तो कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। एक बार हरि नाम की प्याली को पी, जिंदगी ही नशे में गुजर जाए, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। और एक ही बार नशा करना होगा, फिर बार बार नशा करना नहीं होगा। अब वो वाला नशा तो नाली में गिरने वाला है, जन्म जीवन बिगाड़ने वाला है, और ये नशा तो राधा गोविंद के चरणों में बिठाने वाला है। पर नसीब बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से हो। आलस कछुक जनायो, आलस मैया के शरीर में रहने लगा, माने प्रेम की खुमारी। अब क्यों ना हो, जब राधा रानी चित्त में बैठी है तो प्रेम की खुमारी क्यों नहीं आवेगी। आलस कछुक जनायो धरत पग डगमगे, प्रेम में भरी हुई उसकी चाल हो जाती है। छठा महीना भी बीत गया, अब तो सातवां महीना आ गया। साते मास सहेली, साते मास सहेली, नहीं तजत अकेली, नहीं तजत अकेली, कहे सुनो हेली, कहे सुनो हेली, रहो संग भेली, रहो संग भेली, अहो भांति भांति समुझाए, अहो भांति भांति समुझाए, गर्भ रक्षा करी, गर्भ रक्षा करी, ओ गर्भ रक्षा करी, गर्भ रक्षा करी। सातवां महीना आया तो क्या हुआ, बोले साते मास सहेली, नहीं तजत अकेली, कहे सुनो हेली, रहो संग भेली, भांति भांति समझाए, गर्भ रक्षा करी। सातवें महीने में कीरति महारानी को कोई सखी सहेली अकेला नहीं छोड़ती, कहे भैया इनको घेरे रहो और गर्भ की रक्षा करो। बड़ी बूढ़ी समझा रही हैं, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसे चलना, ऐसे बोलना, ये खाना ये नहीं पाना, सब समझा रही हैं। साधक के लिए अर्थ क्या है, जब सातवीं अवस्था में पहुंचे, नहीं रहो अकेली, नहीं रहो अकेली। अब वो साधक अकेला नहीं, हम कैसे कह सकते हैं भजन कर रहे हैं और यदि हमारे मुंह पे ये शब्द आते हैं कि बोर हो गए, अरे भाई वैष्णव कैसे जो बोर हो गए, हाथ में माला ग्रंथ भजन की सब सामग्री, बोर हो गए। एक साधक के पास बोर होने का समय भी है, काय को बोर हो गए, भजन नहीं करते तभी तो बोर हो रहे होंगे कि महाराज घर में कोई है नहीं, कहां जाएं, वहां 2 घंटा मोबाइल पे खराब करे, वहां 3 घंटा वहां खराब करे, वहां सिर मारे, वहां सिर मारा, ये भक्त का लक्षण तो नहीं हो सकता, ये साधक के लक्षण तो नहीं हो सकते जिसे भजन करना है। साते मास सहेली, नहीं तजत अकेली, अब अकेली नहीं छोड़ती। और अकेले हैं कहा, साधना का एक बहुत बड़ा नियम है, साधक कभी भी अपने आप को अकेला नहीं माने, अकेलापन ही अनर्थों का कारण है। यही माने, मैं कभी अकेले नहीं, मेरी एक और मेरे गुरुदेव, मेरे दूसरी और गोविंद निरंतर विराजमान, मेरा एक हाथ गुरुदेव पकड़े हैं, एक हाथ गोविंद पकड़े हैं, मैं कभी भी अकेला नहीं हूं। साधक अकेला नहीं हो सकता, प्यारे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। अकेला मानना अनर्थ का कारण है, इसी से सभी बीमारी पैदा होती है, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन सब यहीं से पैदा होता है, आदमी अपने आप को अकेला अनाथ असहाय मानता है। साते मास सहेली, नहीं तजत अकेली, कहें सुनो हेली, रहो संग भेली, घेरे रहो और भांति भांति समझाए, गर्भ रक्षा करी,
गर्भ की रक्षा करनी है। अर्थ क्या है? गुरु कृपा से ये प्रेम प्राप्त तो हो गया, और हम अनेक बार निवेदन करते हैं, हमारी समझ में कृपा को पाना कठिन नहीं है, कृपा को बचा पाना और कृपा को पचा पाना कठिन है। कृपा मिल तो जाती है, सत्संग के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से, धाम के प्रभाव से, गुरु लोगों की कृपा से, पर मुसीबत ये है पा तो लेते हैं कि कृपा को बचा नहीं पाते, कृपा को पचा नहीं पाते। भांति भांति समझाए, गर्भ रक्षा करी, अब बचा और पचा क्यों नहीं पाते? इस मार्ग में सबसे बड़ी जो सावधानी है, साधक को अभिमान हो जाता है, बस थोड़े दिन बाद, साल दो साल चार साल पांच साल ठीक चलता है, फिर अभिमान, और ऐसी बुद्धि खराब होती है मार्ग ही छोड़ बैठता है, इस रास्ते को छोड़, अभिमान आ जाता है, हम भी बहुत कुछ जान गए हैं, समझ गए हैं, ऐसा क्यों और वैसा क्यों, और नुकसान किसी और का नहीं, अपना नुकसान कर लेता, अपने पैर काट लेता है, आगे का रास्ता बंद कर लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए अपने अनुगत्य को, कभी गुरु अनुगत्य को शिथिल नहीं होने देना है, और कभी भी अपने दासपने को नहीं छोड़ना है, इस बात को नहीं भूलना है, मैं कृष्ण दास हूं, मैं राधा दासी हूं। हम स्वामी बन जाते हैं और सबरे अनर्थ हो जाते हैं, इस बात को नहीं भूलना है, मैं स्वामी नहीं हूं, ये व्यापार भी मेरे ठाकुर जी का, घर भी मेरे ठाकुर जी का, संतान भी ठाकुर जी की, मेरे पास जो कुछ है मैं मालिक नहीं हूं, मैं माली हूं, मैं मुनीम हूं। ठाकुर जी ने रख छोड़ा या हिसाब किताब लगाने को कर रहे, भैया मालिक तो वो है, नफा उसका नुकसान उसका वो जाने, मैं मुनीम हूं, मैं नौकर हूं ठाकुर जी का, मैं नौकर हूं। अगर नौकर बने रहेंगे, दास बने रहेंगे तो ठीक, और जहां स्वामी बने वही अनर्थ, और यही रक्षा है। रक्षा कोई बाहर से आकर किसी को गोली तोप नहीं मार रहा, अरे अपने मन के विकारों से साधक को रक्षा करनी होती है, और सबसे बड़ा दुश्मन है अभिमान, सबसे बड़ा दुश्मन। इस अभिमान से प्रेम की रक्षा हो जाए तो बस फिर तो पा लिया प्रभु को, ये अभिमान मार डालता है, और फिर साधक का कहीं मोह हो जाता है, क्योंकि ये मार्ग तो बड़ा रसीला मार्ग है ना, लेकिन भूल हो जाती है। और जब भी देखेंगे आप, भक्त का कहीं पतन होता है, भक्त अपने पद से नीचे आता है, तो उसका कहीं मोह हो जाता है, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी पद में, किसी स्थान में, तो फिर क्या समझना है, ये जो कुछ भी है, ये आश्रम है, ये सेवा है, ये मंच है, ये माइक है, ये वैष्णव है, ये धन है, ये सब कुछ है, और आवश्यकता भी रहती है सेवा के लिए, पर ये सब किस लिए है? ये सब इसलिए है कि श्यामा श्याम का भजन हो। ये हर वस्तु केवल श्यामा श्याम की सेवा के लिए है। यार रावण कुंभकर्ण जैसे छाती पे नहीं ले गए तो हम आप ले जाएंगे क्या? ये सब कुछ राधा माधव की सेवा के लिए है। ये सारा जगत, ये सारा पसा, और एक वैष्णव किसको कहते हैं? जो हर वस्तु का भगवत सेवा में प्रयोग कर ले, हर वस्तु का। हमको कोई कोई भी वस्तु दे के जाता है तो देखते ये लगता है इसका सेवा में कैसे प्रयोग हो सकता है। हमको लोग चादर उड़ा देते हैं, अब इतनी चादर तो हम नहीं पहनेंगे, तो उसकी माला झोली बनवा लेते हैं। कोई वस्त्र दे जाता, इतना वस्त्र नहीं, माला झोली बनवा के फिर साधुओं को बांटने लगते हैं। कोई भी वस्तु देखते इसका भगवत सेवा में क्या उपयोग होगा, क्या हो सकता है? रत्ती भर विलासिता के लिए गुंजाइश नहीं है, रस्ती भर अपने सोचने के लिए गुंजाइश नहीं है। इस शरीर को भी नहलाते धुलाते स्वस्थ रखते हैं इसलिए कि ये श्यामा श्याम की वस्तु है। ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है, मेरे राधा गोविंद का खिलौना है, इसलिए शरीर को ठीक ठाक रखूं ताकि राधा गोविंद की सेवा बन पाए। सर्दी में कपड़ा भी पहने तो किस लिए? नहीं पहनेंगे सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, भजन में अवरोध हो जाएगा। बस ये दृष्टि तो बदलनी है। अच्छा, ये सब काम संसार का व्यक्ति भी करता है, पर उसका लक्ष्य केवल देह का पोषण होता है, विलास को तृप्त करना होता है। इन सब वस्तुओं का संग्रह वैष्णव भी करता है, संत भी करता है,
लेकिन उसका लक्ष्य श्यामा श्याम की सेवा और सुख होता है, अंतर इतना है, यही रक्षा है। इसी से अभिमान से मोह से बचा जा सकता है, नहीं तो दुर्घटना घट जाती है। श्यामा श्याम में तो मोह होता नहीं, आए दाए मोह हो जाता, गए काम से। भरत जी की कथा दुनिया जानती है, हिरण के बच्चा में मोह हो गया, माला जपते जपते हो गया। सावधान, भांति भांति समझाए, गर्भ रक्षा करी। रक्षा, गर्भ की रक्षा, उर में जो प्रेम है उसकी रक्षा। इस संसार में भक्ति जगत में सब में बड़ी हानि क्या है? लोग धन की हानि को हानि मानते हैं, स्वास्थ्य की हानि को, प्रतिष्ठा की हानि को हानि मानते हैं, पर हमारे ग्रंथ और संत तो कहते हैं सब में बड़ी हानि श्रद्धा की हानि है। इस मार्ग में यदि श्रद्धा की हानि हो जाए, नाम के प्रति, धाम के प्रति, ग्रंथों के प्रति, गुरुजन के प्रति, इससे बड़ी कोई हानि नहीं हो सकती। मुझे अपना श्रद्धा का धन बचा के रखना है, इसलिए उन लोगों से मुझे बात नहीं करनी, उन लोगों का संग नहीं करना जो अश्रद्धालु हैं, जिनके माथे में कुतर्क भरे हुए हैं, जो विपरीति सोचते हैं, जिनके पास काट छांट के अलावा कुछ है ही नहीं, जिनके पास केवल निंदा निंदा निंदा, इसके अलावा कुछ नहीं, मुझे उन लोगों के पास भी नहीं बैठना, दूर से दंडवत कर लेनी, भगवान बचाए, सांप मिल जाए भले रास्ते में निंदक न मिले, क्योंकि सांप तो प्राण ले लेगा, पर ये लोग मेरी श्रद्धा की हानि कर देंगे। कहीं मेरी श्रद्धा और प्रेम और भजन की हानि हो गई तो पता नहीं कितने जन्मों में इस धन को मैं जुटा पाऊंगा, कमाई तो करता नहीं, लुटा दूं तो होगा क्या मेरा। यही है भांति भांति समझाए गर्भ रक्षा। राधा रानी की कृपा ऐसे नहीं, सातवीं सीढ़ी पे बहुत सावधानी, तब सातवां महीना भी बीत गया, तब तो आठवें मास बीज आए, आठवें मास बीज आए, आठवें मास बीज आए, आठवें मास बीज आए। सजन सो बोले, अहो बोले सजन सो बोले, सोई प्रभु की जिए, सोई प्रभु की जिए, सोई प्रभु की जिए, सोई प्रभु की जिए। आठवां महीना कीर्ति मैया को हुआ तो वृषभानु जी ने क्या किया? बोले आठ मास दिज आए, जितने भी ब्राह्मण थे ब्रजमंडल के वो सब रावल बरसाना पहुंच गए भानु बाबा के भवन में। आठ मास दिज आए कैसे? बोले बोल पठाए, न्योता दिया, न्योत जिमाए, सजन पहराए, अहो बोले सजन सो बोल, सोई प्रभु कीजिए। श्री वृषभानु जी ने सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज कहिए क्या आज्ञा है, सबरे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया आपने। बोले महाराज अब मेरे आंगन में आप स्वस्ति वाचन करो, वेद पाठ करो, पुराण पाठ करो, श्री सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ करो। बोले मनोरथ क्या है? बोले मनोरथ यही है कि मेरे घर लाली प्रकट हो, लाला के उपयुक्त लाली प्रकट होए, नंद लाला की जो जोड़ी बना सके ऐसी लाली प्रकट होए। जतन करो, मंगल गीत गाओ, स्वस्ति वाचन करो, पाठ करो, यज्ञ करो, जो करना हो, और अखंड करो। महात्माओं ने कही महाराज अखंड कैसे होएगा, अब घर तो जाना पड़ेगा। बोले घर जाने की जरूरत नहीं, यहीं डटो। बोले महाराज रसोई की व्यवस्था देखनी। बोले नहीं, रोज नई नई माल घुटेंगे, खूब बढ़िया रसोई पाना। बोले कपड़े तो धोने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वृषभान बाबा ने कहा रोज सबको नए वस्त्र पहराऊंगा, सजन पहराए, न्योत जिमाए, सबको नए वस्त्र रोज पहनाऊंगा, कपड़ा पहर के फेंक देना, रोज नए वस्त्र पहराऊंगा, भोजन की चिंता नहीं, वह अखंड नाम जप करो, उपनिषदों का पाठ करो, श्री सूक्त का। श्री सूक्त में देवताओं ने श्री को पुकारा है ना, अब वैकुंठ की स्वामिनी भी श्री है और
हमारे वृंदावन की रानी भी श्री है, तभी तो श्री जी कहा जाता है। नारायण की श्री लक्ष्मी जी हैं, राम जी की श्री जान, श्री माने धन, राम जी की श्री जानकी जी हैं, और अभी सुना श्री कृष्ण की श्री श्री राधा है। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो मेरे घर में श्री आमे, श्री सुक्त का पाठ खूब जोर जोर, ब्राह्मण स्वेश्वर श्री सुक्त का पाठ कर रहे, कनक धारा का पाठ कर रहे, सामान्य धन के लिए नहीं। बोले भगवान की भी जो धन हो, ऐसी भगवान की श्री जी हमारे घर में प्रकट हो, परमात्मा का भी जो धन हो वो श्री जी हमारे घर में आवे। पाठ होने लगे। बोले आठवें महीने में क्यों बुला लिए? बोले वृषभान जी को लग रहा था कि नंद बाबा के भी आठवें महीने में लाला प्रकट हुए, कहीं मेरे भी लाली आठवें महीने में ना आती हो। अब उनको तो महात्मा लोग बचा गए कि आठवें महीने में, भानु बाबा तो कोई बचा के नहीं गया। तो भानु बाबा ने पहले से द्विजों को बिठा करके स्वस्ति वाचन, लीला परक अर्थ, साधक पर अर्थ क्या है कि अब आठवीं स्थिति में निरंतर अखंड पाठ होने लग गया। माने जब प्रेम की आठवीं स्थिति में साधक पहुंचता है, सब कुछ छूट जाता है, फिर बस हा राधा हा मोहन, हा राधा हा मोहन, हा राधा हा मोहन, यही रट बसती है। व्यास जी कहते हैं ना, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, अब परी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, जा रज शिव सन कादिक तरसत, सोई रज शीस चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरकत, हरस हरस जस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। आहा, तो आठवें महीने में द्विज लोग आकर के पाठ करने लगे, और तब तो आठवां महीना भी बीत गया। तब तो नवये मास गोप बाला, नवये मास गोप बाला, ओहो कहे वचन रसाला, कहे वचन रसाला, ओ बुझत इही काला, बुझत इही बाला, अजु कीरति कृपाला, अजु कीरति कृपाला, अहो कब हुई है अबो कब होई है वह दोस, सुमंगल गाइयो, सुमंगल गाइयो, सुमंगल गाइयो, सुमंगल गाइयो, नवये मास गोप बाला, कहे वचन रसाला, बूझत ही काला, जो कीरति कृपाला। नौवें मास में कीरति मैया के पास सब सखियां खड़ी हो गई आकर के, और कहती हैं कब हुई हैं वह द्योस सुमंगल गायो। अरे कीरति मैया, धन को भीतर ही छुपाए रखोगी, वो धन कब प्रकट होगा, कब वो समय आएगा कि हम सब लाली के मंगल गीत गावेंगी आंगन में, कब हुई हैं वह द्योस सुमंगल गायो। ऐसा प्रश्न विनोद में कीरति मैया से सखियां करती हैं, और ये नौवीं दशा है, कब हुई है वह द्योस। उस समय फिर गुरु मंजरी, उस समय साधक अपने से भी प्रश्न करता है, कब हुई है वह द्योस। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम मिन जियत बहुत दिन बीते। ये बिल्कुल विरह की चौथी नौवीं अवस्था है, बिल्कुल चरम की। अब दसवें महीने में तो श्री जी प्राकट्य हो जाएंगी, ये नौवां महीना। अब इस समय कब हुई हैं वह द्योस सुमंगल गाइयो। इस अवस्था पर आकर के सर्वत्र भगवत दर्शन होने लगता है, ये नौवीं अवस्था है। इसको रूप गोस्वामी जी प्रेम कहते हैं, प्रेम की अवस्था। और प्रेमी का सार महाभाव ही तो श्री राधा है ना। रूप गोस्वामी जी